वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अपने टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी शॉ। तो पृथ्वी शॉ अपने टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अब देखिए इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में ये अपना टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया है। तो इनकी उम्र वर्तमान में 18 वर्ष और 329 दिन है, ठीक है। 18 वर्ष और 329 दिनों की आयु में वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुजरात के राजकोट में शतक लगा के पृथ्वी शॉ अपने टेस्ट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। अगर बात करें इससे पहले किस भारतीय का इस पर रिकॉर्ड था, तो इसके पहले सचिन तेंदुलकर के नाम, ठीक है, इसके पहले सचिन तेंदुलकर के नाम 19 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले उनके नाम रिकॉर्ड था। लेकिन अब इसमें पहले स्थान पर पृथ्वी शॉ का नंबर आता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पृथ्वी शॉ ने फरवरी 2018 में, यानी कि इसी वर्ष फरवरी 2018 में विश्व कप में अंडर 19 विश्व कप में भारत की कप्तानी भी की थी और भारत को विश्व कप भी दिलाया था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार लगातार 11वें साल सबसे अमीर भारतीय कौन बने। तो इसका जो राइट आंसर है मुकेश अंबानी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 11वें साल के लिए सबसे अमीर भारतीय के रूप में उभरे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 47.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। और अंबानी सालाना सबसे बड़ी लाभकारी कंपनी के मालिक हैं और जिन्होंने अपनी जो कंपनी है रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड टेलको सेवर की निरंतर सफलता के दौरान अपनी संपत्ति में 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जोड़ रही हैं। अब इस जो ये जो लिस्ट जारी की गई 2018 की, इसमें विप्रो के जो चेयरमैन है, विप्रो कंपनी के चेयरमैन अजीज प्रेम जी, ये दूसरे स्थान पर हैं, जबकि आर्सेनल मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ये आपके तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर है अजीज प्रेम जी और तीसरे स्थान पर है लक्ष्मी मित्तल। तो ऑप्शन आपका इसका बी सही होगा। अब यहाँ पर प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो फोर्ब्स पत्रिका है इसकी शुरुआत सन 1917 में हुई थी और ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है और इसका मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। अब यहाँ पर देखिए मुकेश अंबानी की बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए इनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। और रिलायंस कंपनी हाल ही में भारत में टैक्स भरने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चंदा कोचर ने हाल ही में किस बैंक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। तो देखिए चंदा कोचर ने तत्काल प्रभाव से आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये निजी बैंक ने नियामक अनुमोदन के अधीन संदीप बक्सी को अब 5 साल तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, जून में चंदा कोचर के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कृष्ण के तहत एक पैनल का गठन किया गया था, जिसके तहत इनकी जांच चल रही थी। लेकिन हाल ही में चंदा कोचर ने इस बैंक के, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए इस बैंक का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इस बैंक की स्थापना 1955 में 1955 में हुई थी। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 4 अक्टूबर, ठीक है। तो हाल ही में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। तो दुनिया भर में पशुओं के कल्याण के मानकों को बेहतर करने के लिए और जानवरों की जानवरों के प्रति जो सद्भाव है, प्रतिष्ठा है, उसको बढ़ाने के लिए 4 अक्टूबर को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। और विश्व पशु दिवस की उत्पत्ति हेनरिक जर्मन ने की थी, जिन्होंने जर्मनी के बर्लिन में स्पोर्ट पैलेस में 24 मार्च 1925 में सबसे पहले विश्व पशु दिवस आयोजित किया था। और इसके बाद से लगातार 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता रहा है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के आधार पर अधिकतम नागरिक भागीदारी के आधार पर शीर्ष रैंक वाले जिला और राज्यों को पुरस्कार दिए हैं। और प्रधानमंत्री पुरस्कार नई दिल्ली की राहत भवन सांस्कृतिक केंद्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन सत्र में दिए गए हैं। और इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 द्वारा नई रैंकिंग के अनुसार हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जबकि अगर बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आपका इसमें गुजरात है, ठीक है, दूसरे स्थान पर इसमें गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर महाराष्ट्र। लेकिन इसी में जिलों की भी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र का 17 जिला सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में पहला स्थान इसने पाया है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर राज्य का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। हरियाणा की यहाँ पर बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। और आपको पता होना चाहिए पानीपत शहर को, जो कि हरियाणा का शहर है, उसको बुनकरों का शहर कहते हैं। और हरियाणा में ही सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। और हरियाणा ही ऐसा पहला राज्य है जिसने वैट वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया था। और हरियाणा की लोकसभा से 10 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं और वहाँ की विधानसभा में कुल 90 सीटें आती हैं। और हरियाणा के बारे में आपको बता दूँ कि हरियाणा राज्य हाल ही में GST के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में पहले स्थान पर रहा है। और हरियाणा ने ही हाल ही में पौधागिरी अभियान शुरू किया है और वहाँ की कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए एक नया अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है I am not afraid of English। तो ये रहे हरियाणा के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की रिविजन्स क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए, खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी जयंती 2018 के अवसर पर इसमें मुंबई में उद्घाटन महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस जो महोत्सव है, इसका मुख्य उद्देश्य कुटीर उद्योग के उत्पादों को बढ़ावा देना और राज्यों की कला के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और इसका उद्देश्य कुटीर उद्योग में शामिल बुनकरों और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना भी इसका लक्ष्य है। और मैं आपको बता दूं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है विजय कुमार सक्सेना। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कैदी महिलाएं और न्याय के लिए पहुंच नामक विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है शिमला, ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। तो देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और गृह मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश के जेल विभाग के सहयोगियों की कैदी महिलाएं और न्याय के लिए पहुंच विषय पर शिमला में 4 से 5 अक्टूबर 2018 के बीच अब तक का सबसे पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि महिला कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए
और उनको न्याय दिलाने के लिए और जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम को मदद करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों यानी कि जेल में सुधारों के लिए और उनके पहलुओं की निगरानी के लिए एक पूर्व न्यायाधीश अमिताव राय की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? पूर्व न्यायाधीश अमिताव राय की अध्यक्षता में जेल सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया है। तो ध्यान रखेंगे। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया है? तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है इंडोनेशिया। ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। तो देखिए, भारत ने इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में भूकंप और सुनामी पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया है और इसमें 2 भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के विमान C-130J और C-17 इंडोनेशिया के लिए चिकित्सा कर्मियों और राहत समृद्धियों के लिए उनको भेजा है और भारतीय नौसेना के भी 3 जहाज INS तीर, INS सुजाता और INS शार्दुल को भी आपदा राहत के लिए इंडोनेशिया देश में भेजा है। तो हाल ही में इंडोनेशिया देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया है। अब इंडोनेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया की राजधानी है वो है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है रेल मंत्रालय। ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। तो देखिए, रेलवे मंत्रालय को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कारों के तहत स्वच्छता पखवाड़े में अपने योगदान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ विभाग घोषित किया गया है और ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन की 4थी सालगिरह पर रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया और हाल ही में रेल मंत्रालय को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीजल्स रूबेरा नामक बीमारी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है नागालैंड। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए, नागालैंड के मुख्यमंत्री निफायू रियो ने राज्य में मीजल्स और रूबेला टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है और इस अभियान का लक्ष्य 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग में 4.72 लाख बच्चों का टीकाकरण करना है और टीकाकरण बच्चों को मीजल्स और रूबेला से लड़ने में मदद करेगा और इन बीमारियों के कारण मृत्यु दर को कम करेगा। तो हाल ही में नागालैंड के राज्य के मुख्यमंत्री ने मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पर देखिए, नागालैंड की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा और वहाँ की CM है निफायू रियो और गवर्नर है पी आचार्य। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के पहले ग्लोबल स्किल पार्क का समर्थन करने के लिए $150 मिलियन ऋण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने राज्य में तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा और शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक अधिक कुशल श्रमिकों का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क GSP स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में $150 मिलियन के साथ ADB के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी सन 1966 में और ये स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय है मनीला में जो कि फिलीपींस में है और ताकेहेकु नाकाओ ये वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के साथ समझौता किया है। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है TSEF के साथ हाल ही में भागीदारी की है। अब ये जो TSEF है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। ठीक है, तो देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSEF के साथ 40 सदस्यों की एक टीम का 1 महीने के साथ राफ्टिंग अभियान शुरू करने के लिए भागीदारी की है। इस अभियान का नेतृत्व माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला सुश्री बछेंद्री पाल करेंगी और ये अभियान 5 अक्टूबर 2018 को हरिद्वार से शुरू होगा जो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर 8 प्रमुख शहरों में शामिल करेगा और ये बिहार के पटना में समाप्त हो जाएगा। तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं कल की कुछ का उत्तर। तो देखिए, कल आपसे पूछा गया था चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEZ का तीसरा पार्टनर देश कौन सा बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब।
आज की क्विज का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की पहली हवाई अड्डी पाकयोंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर फेसबुक पेज की लिंक पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पूरे सितंबर माह के टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में आप इस तरह से आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे सितंबर माह के टॉप 50 करंट अफेयर मिल जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।